सब जनन घर राम राम पहुँचे। एक बार फिर से स्वागत है आप सब जनन को बुंदेलखंड की यहाँ की वीडियो में। और हम ये फॉर्म फंसा रहे थे ट्राईपोर्ट में, ढील हो गए थे तो हरमुल देख रहे सही कर रहे और हम आ गए नहा के। तो आज बाल बहुत ज़्यादा विधि विधि से लग रहे, सो कैसे लग रहे फूले फूले वीडियो में देखो हमने। और वीडियो में हम देख पाते अपने बाल कैसे कटे, कैसे लग रहे, कितने हैं। और जब बाल दो ना तो आगे करो, इतने छोटे छोटे लगा कि कहा बता, फिर जो लगा चलो यही बहाने कट गए तो कट गए, नहीं तो नहीं कट पाते शादी के बहाने। और अब तक नहीं हो पाई हम लोग की पूरी शॉपिंग। अनमोला भी के पापा के अब कपड़ा नहीं आए, और अनमोला भी के का नहीं आए ट्राउजर और हल्दी के लिए, हाँ, और मैं हल्दी का कपड़ा नहीं आए। और बिल्कुल मूड में आ गया, ब्याह समझ में नहीं आ रहा अब कब जा पाने माए के कब नहीं। और बस चुटिया तो हमने ऐसी कर ली, हाफ बाल कर ले, और जैसे आगे से थोड़ी बहुत बाल निकल गया तो तना चेहरा में लुक लगा लगा, तो हल्को से कंघा फेर ले रहे हम आगे। और वैसे तो हम सोच रहे थे कि 5-6 दिन पहले चले जाएँ शादी में, लेकिन अब नहीं जा पा रहे, कैसे सर्दी भी पड़ लगी और छोटे दिन हो रहे, तो जे काका मैनेज करें ये चक्कर में अब नहीं जा रहे। फिर इन्हीं के साथ जे हैं जब भी जे हैं जी, एक दिन पहले या वही दिन। और बस तब चुटी उटी करके करने भगवान जी घर साफ करे की तैयारी, और उन्हें ना हुआ है। और आज इतना अच्छे एक गुलाब को फूल खिलो तो हम कपड़ा फैलान गए थे तो कहा बताए। और 3-4 बॉडी आ गई हैं अभी गुलाब में, सबसे ज़्यादा अभी गुलाब ही खिलने हैं इस बार इस हफ्ता में। और बस चश्मा वश्मा लगा के अपू डेंट बन के आ गए किचन में, तो मौसम ख़राब चल रहा हो और सबका सर्दी वर्दी है, तो हमने सोची आज मूँग की दाल बनाए, तो मूँग की दाल बना रहे आज। और इस बार हरी धनिया वैसी नहीं आ रही जैसे हमें पसंद है, मतलब बड़े बड़े पत्ता वाली, बस जल्दी भी टूट गया तो और बहुत अच्छा टेस्ट लगा, खुशबू भी ज़्यादा अच्छी आती की। और बस इतने दाल आल बनाए की कर रहे तैयारी, और बीच बीच में हम फोन देखा जा रहे कि हम आ रहे कि नहीं, कैसे थोड़ी बहुत इतने होते खिसको तो जो लगा था ऐसा ना हो कि आ नहीं रहे हो वीडियो, दिवाली जा रही हूँ। और एक दिन ऐसे ही हुआ तो कि हमने लगा लो फ़ोन और हम वीडियो बना, हमारे जान में जो है कि हम आ रहे तो कुकर बस आ रहे तो हम नहीं आ पा रहे, जब तक थोड़ी बहुत या तो रेसिपी शेयर करो, आवाज़ आ रही बाहर से बहुत हल्ला रहा जाने का है। तो जब हम गैस चूल्हा साफ करें तो थोड़ी अंदर का खिसका दी, जब खाना ना बनाने आ तो बाहर निकाल ली थोड़ी, कैसे सिलेंडर की बिल्कुल ही नीचे पहुंच जात चूल्हू और गर्म भी हो जात नीचे स्लिप ज़्यादा, तो ये चक्कर में खिसका ली। और बस ये वाली दाल में हमें हल्दी नमक डाल देने और कछु नहीं करने। फिर रखे थे आलू नहा धो के हम आ गए थे, हमने पहले सब्जी मब्जी नहीं लगाई थी, हमने जब फ्री हुई के नहा धो के फिर लगाए सब्जी, तो आलू रखे थे, प्याज रखी थी, उन्हें स्टैंड में सेट करे दे रहे। और हरी धनिया की हरी चटनी पीसने आज मूंग की दाल के साथ अच्छी लगा, और थोड़ी वैसी स्वाद होती ना तो गरम गरम रोटी में घी लगा के और हरी चटनी खा बहुत टेस्टी लगा। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारी मूली और हरी चटनी यही है। और फिर गर्मियों में तो ऐसा है कि प्याज काट लो और नींबू डाल लो तो नहीं में टेस्ट बन जा। और ये ऐसी घुली दाल भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वह अरहर की हो, चाहे मूंग की हो, चाहे मसूर की। और बस इतना पसंद लगी हमारी चटनी, तो चटनी हमने कछु नहीं डालू, हरी मिर्ची और कालो नमक, थोड़ी सी सादा नमक डालू बस। और सर्दियों के दिन इतनी जल्दी सरक जा रहे कि कहा बताएं, पहले सरकत सरकत कहते कि सर्दियों के दिन जल्दी सरक जा, तो हम कहते कैसे सरकत हुई है, फिर अब जो है सुन सुन के समझ में आया कैसे सरकत हुई है। और बस दाल बनने के बाद हम चौंका लगाए दे रहे, तो इसमें लौंग जीरा और हरी मिर्च लहसुन को तड़का लगा रहे। और जब घी कुछ ज़्यादा गर्म हुआ तो हमने हींग डाली तो थोड़ी आग लग गई थी, तो हमें बड़ी दीदी की याद आ गई कि बस गुस्सा होती कि आग लग जा तो दिक्कत होती, मतलब वैसे तड़का तो आ गई को मानो जाता, लेकिन उन्होंने जो लगत कि ऐसा ना हो अगल बगल की चीज़ें में आग पकड़ जाए तो भी हमें डांटती हैं कि ढंग से लगाओ करो तड़का, हमने कही। और बस इतने लौंग पीसे ले रहे, जैसी जरूरी ले रहे।
अभी आ गए कोचिंग से, अभी अनमोल नहीं आए, हम और अभी बैठे दुकान में जो थोड़ी उदास है। हमने कही कहा होगा, सो कह रहे तबीयत सही नहीं लग रही। आज अनमोल का भी तबीयत सही नहीं लग रही, कहा से थोड़ी सो भी सर्दी खांसी हो जाए तो अपने आप शरीर ढलू ढलू। तो हम और अभी बात कर रहे थे, तो अभी कह रहे भैया नहीं आया अभी तक, तो भैया आ गया बेहाल, और सब जने लस्त हैं आज सर्दी खांसी में, और वह ना तो ना आ रही और ना अंदर जा रही समझ में नहीं आ रहा कैसी सर्दी हो गई। बस ऐसे ऐसे कर लूँ बस और क्या सू नहीं हो रहा, ना छींक आ रही ज़्यादा ना कछु, आँखें लस्त हैं। और बच्चा चले गए आज, जैसे हमने थोड़ी सवेरे लेट डाली थी दवाई आँखन में, बच्चे चले गए। बैठ रहे थोड़ी, हम दवाई डाल लें है, तुमने डाल ली तो तुम्हारी दो बार हो गई, हमारी तो एक ही बार हुई, हमारी भी एक ही बार हुई। हम सवेरे सोच रहे थे एक हम डाले हैं तो हम आके बैठ जाए।